आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ऐतिहासिक समय है। पहला दफा अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने 10 निर्विरोध उम्मीदवार चुना गया है। 10 निर्विरोध उम्मीदवार चुना गया है। ये बहुत ही बड़ा एक जीत है बीजेपी पार्टी के लिए और हमारे लिए और ज्यादा ऐतिहासिक बन जाता है। हमारे लिए इतना एक प्राउड, खुशी का जो है, गौरव का माहौल है कि ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहला दफा तीन उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है। तो दसंग को सबसे पहले चुना गया। तो दसंग से तुमने मुझे फोन करा, सर मैं अकेला फुर्ती कर रहा हूँ, मैं अकेला बहुत हंस रहा हूँ, खा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, इतना खुशी है। उसके बाद हम जो दोनों फिर उम्मीदवार चुना गया है निर्विरोध, तो बोला है मैं आंसू का खुशी का आंसू रो रहा हूँ, इस तरह का। तो ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए और ये 10 निर्विरोध चुना गया है। हमारा अभी सिर्फ 50 पे हमको लड़ना है। ये जो नवसाई डिस्ट्रिक्ट सेचुरेटेड हो गया है, वो पानी का बात क्या करेगा, वो नवसाई का विकास के बारे में क्या बोलेगा। नवसाई में अभी अरुणाचल प्रदेश में सेकेंड जो है जो मेडिकल कॉलेज होने वाला है, नवसाई में होने वाला है मेडिकल कॉलेज, अरुणाचल में और कोई कहीं होने वाला नहीं है। एक तीन एक्स मिनी सेक्रेटरियत बन चुका है, लेकिन एक खत्म होते होते में वो आरटीआई लगा के बंद कर दिया है। अभी वही लोग बंद करता है आरटीआई में, हमारे बीच में तो कोई आरटीआई नहीं करता है। कौन करता है? वही लोग करता है और वही लोग आके एमएलए उठना चाहते हैं हम आरटीए हटाने का। तो इस तरह का है, वो लोग पीछे से हमारा डेवलपमेंट बंद करना चाहता है और आके एमएलए जब उम्मीदवार होगा तो पूरा का पूरा विकास करेगा एक साल, और बोलता है कि खमती लोग अनपढ़ है, खमती लोग अभी बहुत पीछे हट गया है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बीमारी हो गया, अफीम पीके बीमारी हो गया है, हाँ बहुत बैकवर्ड हो गया है। इस तरह का आवाज देना नहीं चाहिए एक समाज से आके अगर आप उम्मीदवार होते हो, इस तरह का आवाज शोभा नहीं देता है एक उम्मीदवार से। एक समाज को आप तुच्छा दे रहा है, एक समाज का आप एटिकिंग ले रहे हो। हम नहीं बोलते हैं, बहुत एडवांस है बोलते, लेकिन हमारा भी यहाँ युवा नेता है, हमारा भी यहाँ बुजुर्ग है, हमारा भी एक समाज है, अपना समाज का रीति नीति है। हमारा अपना समाज का रीति नीति को आपको बोलना क्या है? आप बोलता है हम बीमार हो गया है, अफीम पीता है, क्या पीता है, फिर आप बोलता है कि हम ओपीएम को लीगलाइज करेगा, तो इससे आप समाज सुधरेगा? समाज सुधरेगा? इतना सुंदर सड़क है यहाँ में, इतना तो अच्छा है जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ में, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है यहाँ में, कॉलेज है, मॉडल कॉलेज आने वाला है आपका, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल हब है, हॉस्पिटल है, स्टेडियम 40 करोड़ का स्टेडियम बन रहा है, अभी 70 करोड़ का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आने वाला है जल्द से जल्द अभी। तो इस तरह का पूरा विकास का रास्ते में हम चल रहा है, और वहां आके बोलता है कि आप बैकवर्ड है, कुछ नहीं है, हमको जिताएगा तो हम पूरे का पूरे एक साल में नमसाई का नक्शा बदली कर देगा। कौन सा नक्शा बदली करेगा नमसाई का? अब पूछो तो उनको, कौन सा किस तरह का नक्शा? ये हम खमती सिंफो और ये नमसाई का लोग इतना बुरी, अब ये क्या क्या बोलता है ना देखने में, हाँ क्या बोलता है उसको हिंदी में, देखने में हम लोग इतना खराब है कि आप हमारा नक्शा बदली कर देगा?
क्या जिन्नू इतना देखने में खराब है क्या? क्या सुजाना इतना देखने में खराब है क्या कि नमसाय का नक्शा क्या नमसाय का जो लोग इतना बदसूरत है क्या कि नमसाय का नक्शा बदली कर देगा आप? इतना सुंदर यातायात सिस्टम हो गया अभी अरुणाचल प्रदेश में, आप क्या बात करते हो? आप अपना बात करो ना, आप तो वहां से भाग के आए हो, आपके वहां में आप कॉलेज खत्म कर नहीं पाया, आप यात्री में आप कॉलेज बना नहीं पाया, आप कॉलेज का अवस्था देखो, अभी जो प्रेजेंट एमएलए है उन्होंने बनाया, आप पानीर रिवर में आप एक ब्रिज नहीं ले पाए हो, एक उस पर एक सर्कल है, इस तरफ एक सर्कल है, दोनों सर्कल को जोड़ नहीं पाए हो। अभी का एमएलए ने चौना बीन को रिक्वेस्ट किया, पेमा खांडू सरकार को रिक्वेस्ट किया कि हमें एक ब्रिज चाहिए, ब्रिज दे दिया, अभी अभी उस पर इस पर चलता है, सड़क भी दे दिया। तुम कर पाया वो, तुम तो नहीं कर पाया। वो गांव गांव में अभी सड़कें नहीं है, अभी वहां में उसका समय में अभी का एमएलए ने मेरामती कर रहा है, बना रहा है, इसलिए उनका लोग बोला है आपको यहाँ में अभी उम्मीदवार हम मौका नहीं देंगे। वहां जब मौका नहीं मिला, वहां जब काम करने नहीं सका अपना घर में और औरों का घर में, बोलता है हम नक्शा बदली कर देगा। कौन सा नक्शा? आप आर्किटेक्ट हो क्या? क्या का आर्किटेक्ट हो? बिल्डिंग का आर्किटेक्ट हो ना, मनुष्य का चेहरा बोलने वाला आर्किटेक्ट हो? हाँ ना, क्या आर्किटेक्ट हो कि नक्शा बदली कर देंगे आप? पहले तो अपना इलाका का नक्शा बदली करो आप। मैं तो कहता हूं वही बात, अब क्या नक्शा का? नक्शा तो हमने बहुत सुधारा अभी नक्शा अरुणाचल प्रदेश का, पिछले 8 से 10 साल तक तो इतना विकास। हम तो पिछले 8-9 दिन से मैं इलेक्शन यात्रा में हूँ, इलेक्शन अभियान से हूँ, अभियान में हूँ मैं। पिछले मैं पहले वहाँ हुलुंगी गया, पहले दिन तो मैं अपना वाखरो और चौखाम गया, चौखाम में थोड़ा लोगों को मिल के मैं सीधा चला गया ईटानगर का तरह, फिर महादेवपुर में एक दो जगह ढोके में ईटानगर चला गया, वहाँ हुलुंगी में भारी सभा में 12,000 लोग इकट्ठा एक ऐसा हॉल में जमा हुआ पूरा, और मुझे बोला गया कि स्टेज में है, बोला है कि यहाँ जितना है प्योर बीजेपी है, अगर ये 12,000 प्योर बीजेपी का बटन में दबाएगा, कमल का फूल में दबाएगा, तो जरूर जीतेगा वो, ऐसा माहौल है। फिर राजौली में चला गया, अभी जो यहाँ से भगोरा होके आ गया है कैंडिडेट जो है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, वहां भी अभी का जो है नाबा टेडर जी का विश्वास में, नाबा टेडर जी का नेतृत्व में इतना भारी तादाद में लोग आया, वहां तो जीतेगा। तो सभी उसके बाद में तिराप तंगलम लोंगडिंग चला गया, पूरा का पूरा हमारा ऊपर बहुमत है। आज हमारा सड़कें कितना अच्छा है, हाईवे कितना अच्छा है, आप देखिए पहले जमाने में नमसाय से तेजू जाने के लिए 1 दिन लगता है, अभी 40 मिनट में पहुंचता है, नमसाय से जयरामपुर जाने के लिए 5 घंटा लगता है, अभी आधा घंटा में स्पीड घर पहुंच गया है, मुझे यहाँ से रोइंग जाने के लिए 1 दिन पूरा लगता है, आज मुचू मिठी 1 घंटा में पहुंच गया है, आज दामबुक से 1 घंटा 15 मिनट में पहुंचता है, पासीघाट तक 2.5 घंटा में पहुंच, पासीघाट में 2 दिन लगता था, इतना सुंदर आप सड़क यातायात सुविधा हो गया। अंजाव से जाने के लिए 2 दिन लगता है, यहाँ से जाने के लिए आज तो 4-5 घंटा लगता है, अब फ्रंट लाइन में सब अंजाव का ही लोग हैं, मैं देखा हूँ, यानी कि सबसे आगे आके आई, इतना जल्दी पहुँच गया, शायद वो लोग सोचा रहा इतना जल्दी पहुँच नहीं पाएगा, थोड़ा सुविधा जाएगा, लेकिन यातायात इतना सुविधा है, सड़क इतना अच्छा है, नमसा का सड़क ठीक है तो हमारा अंजाव का सड़क भी बहुत ठीक है, तो गोटा अरुणाचल प्रदेश तवांग से लेके आपका कानूबारी तक इतना हाईवे सुंदर हो गया। अब कांग्रेस का कैंडिडेट आता है वो श्रीराम जी तफिर गाँव का साथ कम्पीट करने के लिए, क्या बात लेके हमको करेगा कि वोट दो बोलेगा, क्या बात को लेके? कांग्रेस का जमाना में 6 दशक यानी कि 60 ईयर्स ऑफ कांग्रेस रिजिम, वो हमें जितना सड़क दिया है
मोदी जी अकेला वो 10 साल में उससे ज्यादा सड़क हाईवे बना पाए हैं मोदी जी। और गरीबी हटाओ बोलता है वो लोग, गरीबी तो कांग्रेस ने हटा नहीं पाया है। मोदी जी अकेला आके ही 25 करोड़ जनता को बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल से एपीएल कर दिया है, इस तरह का है। कांग्रेस बोलता है कि हम सेक्युलर है, हम आप कौन सा सेक्युलर हो, कैसा सेक्युलर हो आप? अभी जो क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन समाज को हम 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं बीजेपी पेमा खंड सरकार, 10 करोड़ ग्रांट ही नहीं दे रहा है। आप तुकी सरकार में आप 1 करोड़ रुपया भी दे नहीं पाया, ग्रांट ही नहीं, कुछ सुविधा नहीं दे पाया क्रिश्चियनों के लिए। बाकी तो छोड़ो, हम तो क्रिश्चियन को भी देता है, हिंदू को भी देता है, मुस्लिम को भी देता है, बुद्धिस्ट को भी, सबको देता है, अभी क्रिश्चियन को भी दे रहा है। हमको बोलता है आप सिक्योरिटी या आपका ये वो नहीं हो आप, तो इस तरह का उन्होंने हमारा खिलाफ बोला है। तो हमको इसीलिए जो उन्होंने रेलवे जो रेलवे ट्रैक जितना देना सका था उससे ज्यादा 10 साल में मोदी जी किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी ट्रेन लाइन लिया है, अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे अभी कंप्लीट हो गया है, रेलवे लाइन अभी आ रहा है, अभी पासीघाट पहुंच गया है, पासीघाट से फिर रोहिन होके तेजू होके ओसराम कुंड होके फिर नामसाई होके फिर रुपाई चला जाएगा। रेलवे लाइन भी आ रहा है, रेलवे लाइन का साथ टूरिज्म भी आगे बढ़ेगा, इस तरह का एयरपोर्ट भी बन गया है। कांग्रेस का जमाना में जितना एयरपोर्ट बना है मोदी जी अकेला उनका 10 साल में 7-8 एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बना दिया है और आने वाला है एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में अभी हुरुंगी एयरपोर्ट हो गया है, कितना सुविधा हुआ है हमारा लिए। तो ये विकास नहीं है क्या? यह वो बोलते हैं हम सेक्युलर पार्टी नहीं है, सेक्युलर पार्टी नहीं है, तो किसने दिया? मैंने निकंग में जितना क्रिश्चियन का गिरजाघर मरम्मत किया, हिंदू का किया है, सभी के लिए हमने किया है। अब महादेवपुर में भी आ गया, बोरडुमसा में भी आ गया है उनका वो लोग, तो क्यों आते हो अपना घर छोड़ के? तीनों अपना एक ही घर से है, तीनों एक ही घर से है, तीनों एक ही घर का है, और वो घर से अपना घर से उनको भगा दिया है कि जाओ यहाँ में तुम्हारा जगह नहीं है, जगह नहीं है तो आ गया। एक तो महादेवपुर में आ गया, एक बोरडुमसा में आ गया, एक नामसाई में आ गया, उसको पूरा का पूरा हाथ बिगड़ गया नामसाई में, उसका कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार नहीं है, जिन्नू जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार आप है। आप इसलिए हमें यही सोचना है कि हमें अपना यहाँ में ऐसा लिखा पड़ा या ऐसा आदमी नहीं है क्या? हमें अपने आप को शासन करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इतना तो कमजोर समाज नहीं है ना नामसाई समाज, नामसाई डिस्ट्रिक्ट, कि हमारा यहाँ में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, हम बाहर से लाए और हमारे ही कुछ लोग उसका पीछे पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्या कारण से जा रहा है? एक तो कारण हो सकता है वो पैसा वाला है, थोड़ा पैसा वाला है, वही कारण होगा, नहीं तो हमको तो एक साल में बदल लेने वाला नहीं है। वो बोलता है एक साल में हम पूरा नामसाई का पिक्चर बदलाव लाएंगे। क्या बदलाव लाएगा? क्या झूठे बात सब हमारा नामसाई वासियों को आप बोल रहा है? तो इस तरह का बयान जो है ये शोभा नहीं देता है। नामसाई वासी अभी जानकारी हो गया है वो अपना घर में, मैं बता देता हूँ, उनका अपना घर में स्थान नहीं है, जगह नहीं है उनके लिए, इसीलिए उनको वहाँ भगा गया है। भगाने के बाद उनका तो जगह नहीं है, सोचा होगा नामसाई में हम जाने से मुझे बहुत आदर मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप 19 2 तारीख का दिन रिजल्ट देखो, यहाँ का पूरा विश्वास है।
मैं ये पूरा का पूरा भावे से करता हूँ और जीतने तो देंगे ही नहीं, हम कटे ही नहीं देंगे जीतने। ये सुजना नाम सुन है महादेवपुर से उठता है, ये सुजना नाम सुन तो मैं महापुर वासी से मैं चला गया हूँ चौखाम। चौखाम वासियों का बहुत आदर है मेरा, मुझे आर्मी कॉन्टेस्ट करा पहला दफा। मैं मिश्री समाज को मैं बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मिश्री समाज पहला दफा मिश्री समाज ने मुझे आर्मी कॉन्टेस्ट किया। मेरे जीवन में 30-35 साल में मैं कभी आर्मी कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, पहला दफा है मैं आर्मी कॉन्टेस्ट हुआ। किसने कराया मुझे? मिश्री समाज ने किया। मैं इसलिए और स्पेशली बाकी समाज को मैं तहे दिल से मैं समी समाज को भी कह दिया, ये जो मिश्री समाज है हम लोग पूरा का पूरा तहे दिल से उनको धन्यवाद देना है। और उससे हमारा समी मिश्री सिंधुओं का भी हमारा ये जो रिश्ता है करीबी और करीबी है, करीबी तो है ही है और करीबी हो गया है। इस तरह का एक भाईचारा का एक तो हो गया है। और मैं और बोला चाहूँगा उनका कैंडिडेट जो है बहन सोर जो फ्री को, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे मौका देने के लिए। उन्होंने अपना जो जब जो विद्रोह किया, विद्रोह करने के बाद अपना मीडिया को एड्रेस किया, उन्होंने बोला है कि मिश्री समाज कल रात को मिश्री समाज पूरा बुजुर्ग लोग एनजीओ लोग आके मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप विद्रोह करो, क्योंकि 14 मिनट का समय में बहुत डेवलप हुआ रहा था हमारा पापड़ चौखाम, इसलिए आप विद्रोह करो। हम चाहते हैं कि 14 मिनट को और 5 साल ले और हमारा यहाँ भरपूर विकास आए, तुम विद्रोह करो। हमारा यहाँ यातायात का सुविधा हुआ, अभी वाकरो से अभी ब्रह्मपुर से चौखाम का डबल लेन का सड़क भी होने वाला है। परशुरामपुर में 100 करोड़ का मैं तो वादा करता हूँ, परशुरामपुर में ये 50 करोड़ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा ये तय है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारा ये हमारा ये नॉर्थ ईस्ट जो डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने देगा। उसके बाद हम अपना सरकार से अभी बजट बनाएगा 50 करोड़ देगा वाकरों के लिए, और वाकरों का परशुरामपुर को पूरा पूरा एक पिलग्रिमेज स्थान बनाएगा, टूरिज्म पूरा का पूरा वहाँ आएगा। तो इस तरह का वाकरों का वाकरों चौखाम का पूरा इतना डेवलप हुआ है। हाँ, यहाँ का जो बॉर्डर इशू था बॉर्डर इशू भी खत्म हो गया है। ये ADC हेडक्वार्टर दो ADC हेडक्वार्टर एक ही दफा ले आया चौखाम, और ADC हेडक्वार्टर लाया बिल्डिंग भी हो गया, स्टाफ क्वार्टर भी हो गया है और ADC भी आ गया है। तो इस तरह के विकास में आप रुकावट मत करो, जो आप छोड़ दो वो भी सोचने लगा कि बात तो सही है, तो चौना में इतना विकास लाया है लोग, मैं चौना मेन के लिए छोड़ता हूँ। अपना भाषण में बोला इसलिए मैं चौना मेन को छोड़ा हूँ। और उनका जो प्रेसिडेंट है खुनान क्रीजी बोला है कि मैं वाकई टूर्नामेंट का काम से बहुत संतुष्ट हूँ, इसीलिए टूर्नामेंट अगर बोलता है तो मैं BJP ज्वाइन कर लूँगा। तो पीएम में बहुत ऐसा ही स्वभाव है, पूरा उनका पार्टी का साथ कांग्रेस पूरा का पूरे BJP का साथ। अभी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस मुक्त अरुणाचल है, अरुणाचल में कांग्रेस नहीं है। तो 3-4 कांग्रेस MLA था, 4 में से 3 तो हमारे पास ज्वाइन हो गया है अभी, एक जो बाकी था उन्होंने भी अपना सीट को BJP को दे दी, छोड़ दिया BJP को, छोड़ दिया BJP को, अनकॉन्टेज बनाया अपना। अब सकाली में जाओ, सकाली में अनकॉन्टेज बनाया, वो कांग्रेस का उम्मीदवार है ही नहीं, छोड़ दिया वो। तो इस तरह का कांग्रेस का हाल है। अब कौन सा आप कांग्रेस MP को बोलते हैं? इसलिए टाकिर गांव जी हमारा उम्मीदवार है। मैं आज का डेट बोलता हूँ, अंजाव से हो, आनीनी से हो, जो भी आया है लोअर डिमांडी से हो, या आपका दम्भुक से हो, या तेजू से हो, या वाकरो चौखाम से हो, या आपका चंगलम डिस्ट्रिक्ट से हो, मैं सबको निवेदन करता हूँ। टाकिर गांव एक डाउन टू आर्थ आदमी है, जब भी पुकारता है मिलता है, जब भी बुलाता है आता है। तो इसलिए टाकिर गांव जी को हमको MP बनाना है, ये जैसे भी किसी भी हाथ